खेल परिवहन एवं वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पालमपुर के अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा मैदान में आट्य पाट्य खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विजेता टीमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को हर संभव प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कौन सा खेल कहां और कब खेला जाएगा इसका कैलेंडर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशे के सेवन से कई युवा अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और समाज के हर वर्ग को समय रहते नशे के उन्मूलन के लिए एकजुटता से काम करना होगा, अन्यथा आने वाले समय में इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मंत्री ने कहा कि हम प्रदेश की खेल नीति में बदलाव करने जा रहे हैं, जिसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और उसे प्रदेश के सभी खेल संघों के समक्ष रखा जाएगा, सुझाव लेंगे ताकि कोई कमी न रहे। समारोह के बाद मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सौरभ वन विहार का जायजा लिया और वहां जाकर मौका भी देखा और कहा कि सभी से चर्चा करके सौरभ वन पुनर्निर्माण के विचार किया जाएगा। मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आट्या पाट्या का पहली बार हिमाचल में आयोजन करने पर बधाई दी और आट्या पाट्या को खेल कैलेंडर में लाने पर विचार किया जाएगा। विभाग की तरफ से जब यहाँ के स्थानीय लोग जैसा चाहेंगे तो स्थानीय लोग चाहेंगे, लेकिन है कि मुझे लगता है कि अब कम से कम यह है कि स्थानीय लोगों का कहना ठीक है कि भाई यहाँ पर बने, लेकिन मुझे एक और बात लगती है कि धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में हमको एक प्रयास करना चाहिए, नदी और नालों से दूर अगर जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो मनाली में 100 करोड़ का बस अड्डा भी बनाने वाला था, उसका हमको NGT कार्ड छोटी सी प्रॉब्लम थी, अब वो हमारी फेवर में डिसीजन आने वाला था, लेकिन वो सारा इलाका बह गया। अब मैंने वहाँ पर कोई 100 बीघा की ज़मीन देखी थी जहाँ पर हम एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो अब ये फ्लड आया उसमें वो जो आधे से ज़्यादा बह गया। अब मुझे अपनी बात बदलनी पड़ रही, इसलिए अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है। तो इस बात संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि सौरभ वन विहार को कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। हाँ बिल्कुल, अभी तक ऐसा है कि मैं बहुत जल्दबाजी में मैं कुछ भी इसमें कह पाना, क्योंकि एक तो मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, तो इसलिए है कि सब लोगों से चर्चा करेंगे, जैसा सबका विचार बनेगा उसके मुताबिक देखेंगे और अगर कोई आवश्यकता हुई तो फिर कमी कोई नहीं रहने देंगे। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में HRTC में जो भर्तियां हुई हैं जिनमें अगर कोई गलती पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय सब जूनियर आट्य पाट्या के अंडर 14 लड़कों के वर्ग में कर्नाटका ने खिताब पर कब्जा किया, जबकि लड़कियों के वर्ग में पौंडीचेरी प्रथम स्थान पर रही। कैप्टन विक्रम मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता में लड़कियों की 27वीं राष्ट्रीय सब जूनियर आट्य पाट्या प्रतियोगिता के फाइनल मैच में कर्नाटका तथा केरल की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें कर्नाटका ने राष्ट्रीय विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। वहीं लड़कियों की 20वीं राष्ट्रीय सब जूनियर आट्य पाट्य प्रतियोगिता के फाइनल पौंडीचेरी और महाराष्ट्र के मध्य खेला गया, जिसमें पौंडीचेरी विजेता रही। बाद में मुख्य अतिथि गोविंद ठाकुर ने विजेता टीमों को ट्रॉफी देकर भी सम्मानित किया। 13 की सरकार ने 270 करोड़ रुपया यानी लोन लेके और उसके बाद उन्होंने बसें खरीदी, जबकि उस समय के फाइनेंस और प्लानिंग डिपार्टमेंट ने कहा था कि अभी इतना अधिक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद ये था कि जब इतनी बसों का हमारे पास था, 1275 बसें ऐसी खरीदी गई उन 3-4 साल में, और फिर JNNURM की बसें भारत सरकार ने कहा कि हम 90 और 10 के अनुपात में हिमाचल प्रदेश को देते हैं, और उसमें स्वयं नितिन गडकरी जी ने इसमें आगे बढ़कर के प्रयास किया। लेकिन उस समय की जो एक बहुत गलती यानी जिन्होंने उसको डिजाइन किया, तो अब जितनी बसें आई अब लगभग यानी 800 बसों में से आधी बसें जो 12 मीटर की बस आई और बाकी 9 मीटर की और लो फ्लोर। अब ये सभी बसेज का ये था कि हिमाचल प्रदेश हमारा पहाड़ी प्रदेश है, ये बसें कुल मिलाकर के हमारे लिंक रोड में सफल हो नहीं रही थी। लेकिन उसके पश्चात एक और लंबा काम चला कि अंधाधुंध तरीके से जब गाड़ियां चलने लगी, उनके प्रॉपर परमिट नहीं थे और प्रॉपर अपने रूट नहीं थे, और उसके कारण से कुछ लोग उच्च न्यायालय में गए, ये पिछली सरकार की बात है। और जब उच्च न्यायालय में गए तो उच्च न्यायालय ने ये कहा कि भाई आखिरकार ये सारी बसों का ये अपने यानी जहां पर इनको क्लस्टर है जो तय किए हैं उन क्लस्टर में ही चले, और उन्होंने अगली पेशी में उन्होंने कहा कि भाई जब सारा चेक किया उन्होंने कहा भाई ये अपने क्लस्टर में जब नहीं चल रही है तो हाईकोर्ट ने बिल्कुल बंद कर दिया कि इन सब बसों को खड़ी कर दो और जब तक इसको यानी कि हम ना कहें तब